सोलावा माँ सती का शक्तिपीठ ब्राह्मणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ त्रिश्रोता माँ ब्राह्मणी शक्तिपीठ में से ही जाना जाता है। त्रिश्रोता मंदिर पश्चिम बंगाल में तिस्ता नदी के तट पर स्थित है। माता ब्राह्मणी देवी मंदिर का निर्माण तब हुआ जब सती या शक्ति का बाया पैर स्थान पर गिरा था। त्रिश्रोता मंदिर ब्राह्मणी देवी मंदिर का दूसरा नाम है। शक्ति और ताकत की देवी, देवी आदिशक्ति के रूपों में से एक को देवी ब्राह्मणी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह सदियों पहले बना एक शक्तिपीठ है, इसलिए मंदिर के निर्माण की सटीक तारीख अभी भी पता नहीं चल पाई है। ब्राह्मणी देवी मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जो देवी सती दुर्गा से संबंधित है। यह पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मान्यता के अनुसार पश्चिम बंगाल में त्रिशूत्रा में देवी सती का माया पैर गिरा था। श्री ब्राह्मणी शक्तिपीठ में से शक्ति को काली के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह देवी की 7 भैरव यानी भगवान ईश्वर भी मौजूद है। शक्ति और शक्ति की देवी, देवी आदि शक्ति का एक रूप देवी ब्राह्मणी है। ऐसा माना जाता है कि देवी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। लोग यहाँ खास तौर पर धन स्वास्थ्य मोक्ष की कामना के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार अरुण नाम का एक असुर था। उस असुर ने एक बार स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को उनके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। विद्रोही असुर ने देवताओं की पत्नी या देवियों को भी अपने अधीन करने की कोशिश की। तब उन देवियों ने अपनी रक्षा के लिए देवी आदि शक्ति से प्रार्थना की। देवियों की प्रार्थना से देवी आदि शक्ति ने एक विशाल मधुमक्खी का निर्माण किया। रूप धारण कर देवी आदि शक्ति ने मधुमक्खियों से झुंड के साथ राक्षस पर हमला किया। मधुमक्खियों ने उस असुर की छाती फाड़ कर उसे मार डाला। देवी आदि शक्ति ने भवरा या मधुमक्खी का रूप धारण किया था, इसलिए देवी अब ब्राह्मणी देवी या भवरा के रूप में जानी जाती है। देवी आदि शक्ति भोरे के रूप में मानवता की रक्षक के रूप में भक्तों का कल्याण करती है। आश्विन मास में नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष यज्ञ और पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र के दौरान कुंभक त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा और रामनवमी यह त्यौहार बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाए जाते हैं। यहाँ आसपास के दर्शनीय स्थल भी है। तिस्ता नदी, योगोमाया, काली मंदिर, देवी चुधरानी मंदिर, गुजरीमारी चर्च, आदि भमरी देवी मंदिर, काली मंडी, जुलपाईगुड़ी। यह मंदिर का समय 8 बजे से शाम 6 बजे तक। मंदिर में पूजा करने से पहले स्नान करके नए कपड़े पहनने का नियम है। आरती में शामिल होने वाले लोगों को सुबह कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यही प्रतिबंध मंदिर परिसर में नियमित या विशेष पूजा के लिए आने वाले भक्तों पर भी लागू होता है। सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल एक व्यापक और सुनियोजित सड़क प्रणाली के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कई राज्य और राष्ट्रीय राज्य मार्ग राज्य से होकर गुजरते हैं। बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे आसपास के राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा राज्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। राज्य के सभी प्रमुख शहर कोलकाता और बागडोगरा से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए। न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा सो सिलीगुड़ी के करीब है। राज्य के आवश्यक स्टेशन हावड़ा और सिलाईदह जो दोनों राज्य की राजधानी कोलकाता की सेवा करते हैं। यहाँ से यह नजदीक है रेल स्टेशन से। ये माता सती का 16वां शक्तिपीठ था। ये अद्भुत शक्तिपीठ ब्राह्मणी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता ने मधुमक्खी का रूप लिया और असुरों का सर्वनाश किया। जय माँ ब्राह्मणी माता, जय माँ सती माता। ओम नमः शिवाय।